जय माई की। धनु राशि के जातकों, वर्ष 2021 की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। हम लाए हैं आपके लिए वर्ष 2021 का राशिफल। इस राशिफल में हम आपके जीवन के मुख्य पहलुओं से जुड़ी छोटी बड़ी अनेक भविष्यवाणियां लेकर आए हैं। इन भविष्यवाणियों की मदद से आप जान पाएंगे कि इस साल आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका करियर कैसा रहेगा। साथ ही आप जान पाएंगे कि यह साल आपके आर्थिक मामलों व निजी जीवन के लिए कैसा रहेगा। इतना ही नहीं, आपके लिए हम सरल से उपाय भी बता रहे हैं जिन्हें आप कठिनाइयों व परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने में इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको बता दें कि यह राशिफल लग्न पर आधारित है। आपकी दशाओं के अनुसार परिणामों में कुछ अंतर हो सकता है। दशाओं आदि के बारे में कुंडली दिखानी हो तो आप एक बहुत छोटी सी फीस जमा करके हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं और सबसे पहले चर्चा आपके स्वास्थ्य की। धनु राशि वालों, सामान्य तौर पर साल 2021 आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर 6 अप्रैल तक तथा 14 सितंबर से 20 नवंबर तक बृहस्पति, जो कि आपका लग्न व राशि का स्वामी है, वह नीच का होकर बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा। यहाँ पर वह शनि ग्रह के साथ युति करेगा। फलस्वरूप असंयमित खान पान से उपजी कुछ समस्याएं कभी कभार रह सकती हैं। इसके अलावा शनि ग्रह की चौथे और आठवें भाव पर दृष्टि वाहन आदि से चोट लगने का भय भी दे सकती है। अतः इस पूरे वर्ष पर्यंत आपको वाहन आदि पूरी सावधानी के साथ चलाना होगा। इसके अलावा जब बृहस्पति नीच का रहे तो खान पान पर अधिक ध्यान देना होगा। यदि आप इन सावधानियों को अपनाएंगे तो सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आइए अब जानते हैं कि साल 2021 आपकी शिक्षा संबंधी मामलों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, शिक्षा संबंधी मामलों के लिए साल 2021 सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि आपका चतुर्थेश बृहस्पति नीच का रहेगा, अतः मेहनत की आवश्यकता तो रहेगी, लेकिन इसके बावजूद बृहस्पति की छठे तथा आठवें भाव पर दृष्टि आपको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में अग्रणी बना सकती है। इसके अलावा आपको कुछ अप्रत्याशित शिक्षा लाभ भी मिल सकते हैं। वहीं 6 अप्रैल से 14 सितंबर के बीच तथा 21 नवंबर के बाद का समय अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए, साथ ही विदेश में शिक्षा ले रहे छात्रों के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। टूर एंड ट्रैवल से जुड़े विद्यार्थियों को और भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अर्थात सामान्य तौर पर यदि आप मेहनती विद्यार्थी हैं तो इस साल आपको अच्छे परिणामों की उम्मीद रखनी चाहिए। आपको बता दें कि हम सोच रहे हैं कि आपके जीवन के मुख्य पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करें, उनके लिए अलग से वीडियोज़ बनाएं। उम्मीद है वे वीडियोज़ आपको जल्द ही मिलेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा बेल आइकॉन को दबा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं साल 2021 आपके कार्य क्षेत्र के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। धनु राशि वालों, सामान्य तौर पर इस वर्ष आपका कार्य क्षेत्र अच्छे परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर 6 अप्रैल के बीच तथा 14 सितंबर से 20 नवंबर के बीच बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा। ऐसे में वह आपकी नौकरी के साथ कर्म स्थान पर भी दृष्टि डालेगा। स्वाभाविक है कि यह स्थितियां नौकरी पेशा को काफी अच्छे परिणाम दिला सकती हैं। यहां तक कि काफी समय से लंबित प्रमोशन भी नौकरी पेशा लोगों को मिल सकता है। वहीं 6 अप्रैल से 14 सितंबर के बीच तथा 21 नवंबर के बाद जब बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा तब वह आपके सातवें भाव पर दृष्टि डालेगा। यह वही अवधि होगी जब व्यवसायी गण अच्छा लाभ कमा सकेंगे, क्योंकि बृहस्पति सातवें भाव तथा लाभ भाव पर प्रभावी रहेगा। ऐसे में व्यापार या व्यवसाय से जुड़े लोग अच्छा लाभ कमा सकेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके कार्य क्षेत्र इत्यादि पर विस्तार से चर्चा के लिए एक अलग से वीडियो बनाएं, जिसमें छोटी छोटी समय अवधि पर विस्तार से चर्चा करें कि कौन सा ड्यूरेशन आपके लिए कैसे परिणाम देगा। ऐसे वीडियोज आपको तुरंत मिले, यानी अपलोड होते ही आपको तुरंत उनकी जानकारी मिले। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। अब चर्चा करते हैं साल 2021 आपके आर्थिक मामलों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। धनुराशि वालों, आर्थिक मामलों के लिए साल 2021 सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि आपके धन भाव का स्वामी शनि आपके धन भाव पर ही पूरे साल भर रहेंगे। साथ ही साथ आपके लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति देव भी धन स्थान पर धनेश के साथ युति करेंगे। हालांकि बृहस्पति नीच के रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद धनेश के साथ युति व नीच भंग की स्थिति आर्थिक मामलों में आपको काफी अधिक मदद कर सकती है। इस साल आप कंजूसी की हद तक जाकर अच्छी बचत करने में सफल रहेंगे। इस वर्ष कुछ अप्रत्याशित लाभ भी आपको मिल सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर 6 अप्रैल तक तथा 14 सितंबर से 20 नवंबर के बीच बृहस्पति धन भाव में रहकर आपकी बचत करवाने का प्रॉमिस करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो वहीं बाकी के समय में आपके तीसरे भाव में रहकर लाभ भाव पर
दृष्टि डालते हुए बृहस्पति आपको अच्छा धन कमाने का, लाभ कमाने का मौका दे सकते हैं। सामान्य तौर पर 2021 से आप अच्छे अर्थ लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि द्वादश भाव में स्थित केतु कुछ खर्चे भी करवा सकता है, लेकिन इसके बावजूद आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी बनी रहनी चाहिए। आइए अब जान लिया जाए कि साल 2021 आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, साल 2021 में सामान्य तौर पर आपका पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहेगा। दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव पर ही पूरे वर्ष गोचर करता रहेगा, स्वरूप परिजनों के साथ चल रहे मतभेद का समाधान मिलेगा। यदि आप बैठकर अपने अपने पक्ष को रखेंगे तो निश्चय ही गलतफहमियां दूर होंगी और संबंधों में सुधार होगा। हालांकि चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि और चतुर्थेश के नीच के होने के कारण साल की शुरुआत से 6 अप्रैल तक तथा 14 सितंबर से 21 नवंबर के बीच कुछ घरेलू तनाव रह सकते हैं, लेकिन इनसे मुक्ति पाने के रास्ते भी आपके आसपास ही आपको मिल जाएंगे। 6 अप्रैल से 14 सितंबर के बीच तथा 21 नवंबर के बाद जब बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे तब वह आपके सप्तम भाव को देखेंगे। यह आपके निजी जीवन के लिए एक अच्छा बिंदु है, खासकर दाम्पत्य जीवन में अच्छाइयाँ आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में भी सुधार की उम्मीद दिख रही है। पिता के साथ भी आपके संबंध और प्रगाढ़ हो सकते हैं। अर्थात सामान्य तौर पर 2021 से हम आपके निजी संबंधों और पारिवारिक संबंधों के लिए अच्छे परिणामों की उम्मीद करते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि यदि कभी किसी अवधि में इस साल आपको कोई परेशानी होती है तो कौन से उपाय करने पर आपको बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। परेशानी होने पर उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाया करें और यथा सामर्थ्य वहां पर कुछ दान भी किया करें। साथ ही माथे पर दूध का तिलक लगाया करें, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना किया करें और शुक्रवार को सुगंधित खीर किसी कन्या को खिलाया करें। तो उम्मीद है आपको इस राशिफल के माध्यम से अपने साल को प्लान करने में मदद मिलेगी और आप बेहतर कर पाएंगे। आप सभी को साल 2021 की अग्रिम शुभकामनाएं। भगवती सबका कल्याण करें। जय माता। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।